चाहे किसी के मोहताज नहीं होते, अपने हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, क्योंकि मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। ऐसा ही एक भक्त बाबा के दरबार, बाबा के चरणों में आया है और बाबा से फरियाद करता है, सुनेगा। बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल ना जाना। जहां में जिक्र हबीब होता है, भक्ति बाबा के करीब होता है, कोली कहता है मेरे बाबा से मांगने वाला गरीब, मेरे शाह ये बता क्यों मिली मुझे बेगुनाही की सजा। हाथों की लकीरों का तमाशा मैं क्या जानू, मानू मैं तो मानू शाम तुमको ही मानू, लाया ना मैं कोई नजराना, लाया ना मैं कोई नजराना। ये किस्सा अजीब है, मांगने को हाथी भी नहीं है, ये बंदा गरीब है। अब जो भिखारी बनकर आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठाएं बिल्कुल सीधे, जो बाबा के भिखारी हैं, दोनों हाथ उठाएं और ताली बजा के मेरे साथ कहेंगे, खाली टाइमिंग देना। मेरे हाथों की लकीरों का तमाशा मैं क्या जानू, मेरे हाथों की लकीरों का तमाशा मैं क्या जानू, मानू मैं तो मानू शाम तुमको ही मानू, मानू मैं तो शाम तुमको ही मानू, लाया ना मैं कोई नजराना, लाया ना मैं कोई नजराना, लाया ना मैं कोई नजराना, लाया ना मैं कोई नजराना। ये किस्सा अजीब है, उठाओ दोनों हाथ भी कुछ सीधे, मांगने को हाथ भी नहीं
नहीं है, बंदा गरीब है मेरे बाबा, बंदा गरीब है मेरे बाबा, बंदा गरीब है। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे भी भक्त आते हैं जिनके हाथ नहीं होते, कई ऐसे ही भक्त आते हैं जिनके पांव नहीं होते। और मुझे याद आया, जैसा कि 14 फरवरी को जो पाकिस्तान ने ऐसी हरकत करी हमारे जवानों पर, बाबा उनकी आत्मा को शांति दे और पूरा हिंदुस्तान आज दर्द से आंखों में भीगा पड़ा है। उन माताएं से पूछो जिनको इंतजार था अपने बेटे के आने का, उन बहनों से पूछो उन बहनों पे क्या बीत रही है जिनको इंतजार था अपने भाई के आने का, उन बच्चों से पूछो जिन बच्चों को वादा करके गया था कि मैं जल्दी लौट के आऊंगा, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान दर्द में डूबा हुआ है। तो ऐसा ही जवान बाबा के दरबार पे आया जिसके हाथ नहीं है, युद्ध में दोनों हाथ गंवा दिए लेकिन फिर भी बाबा के दरबार पे आया है। और एक बार हमारे हिंदुस्तान के जवानों के लिए श्रद्धांजलि के लिए दोनों हाथ उठाए बिल्कुल सीधे और बजाए ताली दोनों हाथ उठा के, 1 2 3 4 हरि करम